गोदावरी किचन में एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम खट्टा भाजी दाल बनाने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का बहुत लोकप्रिय सब्जी है और बहुत अच्छा से खाते हैं। जैसा कि मैंने पहले से दाल, एक कटोरी चना दाल, एक कटोरी अरहर दाल और इसमें नमक डाला स्वाद के अनुसार, एक चुटकी हींग और हल्दी और एक चम्मच तेल डाल के पहले चार सीटी में पका लिया था। और अब ये खट्टा भाजी है, ये डंडे समेत आता है, इसको हम लोग पत्ता पत्ता तोड़ के रख दिए हैं और इसको हम बनाने जा रहे हैं। एक पाव करीब है और इसको हम बना रहे हैं। पहले हम कढ़िया गरम कर लिए, इसमें 3 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। कढ़िया गरम हो गया है, इसमें सबसे पहले हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, फिर ये इतना लहसुन की करी डालेंगे, फिर लाल मिर्च 5 ठो और अपने स्वाद के अनुसार, उसके बाद हरी मिर्ची 5/6 कट कर लिए हैं, उसके बाद 1 प्याज, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होते तक पकने देंगे। अब ये प्याज मिर्ची सब ब्राउन हो गया है, इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और अब ये भाजी को डालेंगे। इसको हम ढक्कन ढक देंगे ताकि जल्दी गलेगा। इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, बहुत जल्दी पक जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगता है पकने के लिए। देखो एकदम गल गया जल्दी, इसलिए बीच बीच में चलाना जरूरी है। देखो पक गया यार ये खट्टा भाजी, बहुत जल्दी पक जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगता है गर्मी दबा पकने में। इस तरह एकदम सूखा होते तक पकाइए और जैसे सूख जाता है इसका पानी, तो फिर अब इसमें हम दाल डालेंगे। और एक बार इसको अच्छा से खौलने देंगे। हमारा खट्टा भाजी दाल बन गया। हमारा सब्जी खट्टा भाजी दाल उबल रहा है और ये तैयार हो गया है, बहुत जल्दी बनता है। हम ये सर बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये बहुत जल्दी पकता है। खाने में थोड़ा हल्का खट्टा लगता है, इसको चावल के साथ खाया जाता है। बहुत से लोग बोलते खट्टा भाजी क्या है, बाकी खट्टा भाजी जहाँ कहीं भी मिले एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।